Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Garima Singh and in today's video we'll be learning about the Russian Revolution and also about the empire, economy and how was the society. We'll be doing Russian Revolution today. Okay, as our chapter name only says, the chapter is all about the coming of socialism in Europe and the Russian Revolution. And in my previous two videos I have shared the story about the coming of socialism in Europe. And this video will basically deal with the Russian Revolution. We'll be learning about how this revolution happened, what were the social and political changes that happened in Russia, and how was the Russian Empire. Now you must be thinking, what was the reason? Why did we study the coming of socialism in Europe in our first two parts? Reason is this, guys. वो पढ़ने के लिए हमें इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें समझना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म क्या है, कौन उसके फाउंडर्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे वो फेमस हो रही थी वर्ल्ड के अंदर. एंड नाउ विल कनेक्ट द डॉट्स एंड विल लर्न हाउ इट हेल्प्ड इन द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हाउ डिड दिस आइडियोलॉजी कॉल्ड सोशलिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, as we are going to study about Russian Revolution, let me just give you a brief idea what was the political structure there in Russia at that time. Okay, Russia mein us time political setup kya tha. Hum baat kar rahe hain 1917 ki. Russia was under the rule of monarchy. Okay, so finally in February 1917 here the rule of monarchy ended. Monarchy matlab kya hai? Rule of one or rule in one hand, mono means one. Okay, तो rule of one hand मतलब king का rule था यार, राजा महाराजा वाले rule चल रहे थे, राजा का बेटा will be राजा. This was the rule of monarchy in Russia. But ये monarchy वाला rule भी खत्म हो गया in February 1917. और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वहाँ government change हुई and how the socialists took over the government in Russia. And again, there is again very important part of this revolution which is about the October Revolution of 1917. Okay, तो इस chapter के अंदर basically हम ये पढ़ेंगे कि कैसे Russia के अंदर rule of king खत्म हुआ, फिर एक बीच में नई सरकार बनेगी, वो सरकार भी गिर जाएगी और फिर कैसे socialist जो हम पढ़ते आए हैं पिछले दो वीडियो से, उन socialist लोगों की कैसे सरकार बनेगी. And importantly, what is this October Revolution of 1917? Okay, तो basically इसके अंदर दो major events होंगे, जब हमारी fall of monarchy होगी, rule of king खत्म होगा in Feb 1917, और जब हमारा October Revolution आएगा in 1917. Okay, तो basically ये मैंने आपको crux दे दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और Russian Revolution basically क्या था. Okay. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, स्टडी हाउ डिड इट ऑल हैपन, कि रशियन रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन आया कैसे. ओके, एंड ऑल्सो व्हाट वर द सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, उस टाइम में सोशल पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी. ओके, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वी फर्स्ट नीड टू गो थ्रू द एग्जैक्ट पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द रशियन एम्पायर ऑफ द पीरियड ऑफ 1914 में रशियन एम्पायर का सेटअप कैसा था, और फेब 1917 में कैसे मोनार्की खत्म हुई, एंड अक्टूबर 1917 में कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से सोशलिस्ट ने वहां अपनी सरकार बना ली. राइट, टॉकिंग अबाउट रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर कैसी थी, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था उधर. ओके, तो मोनार्की का रूल था, तो ऑब्वियस है कोई एम्परर या किंग तो होगा उस टाइम पे. हु वाज द एम्परर? सार निकोलस टू वाज द एम्परर ऑफ रशिया एम्पायर इन द टाइम ऑफ 1914. टाइम पीरियड प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. टाइम बहुत क्लियर होना चाहिए किस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो उस टाइम राजा कौन था, हु वाज द एम्परर? इट वाज सार निकोलस टू. सार के अंदर टी इज साइलेंट, देयरफॉर टी एस ए आर को हम प्रोनाउंस करते हैं सार. ओके,
So do not get confused and look at the spelling of his name. T-S-A-R, Tsar Nicholas II. Okay, अब हम बात करते हैं रशिया एंड इट्स एम्पायर. उस टाइम पे रशिया और इट्स एम्पायर, मतलब रशिया और उसके जो रशियन रूल था, उस एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से रीजन थे जो रशियन एम्पायर के अंदर आते थे. ओके गाइस, देयर इज वन डिस्क्लेमर हियर. व्हेनेवर वी आर स्टडिंग दिस हिस्ट्री थिंग और द ज्योग्राफी थिंग, मेक श्योर यू हैव द वर्ल्ड मैप अलोंग विद दैट ऑफ द इंडिया मैप विद यू. ओके, क्योंकि अभी हम रशिया की बात कर रहे हैं, तो रशियन एम्पायर को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ वर्ल्ड मैप विद यू. वर्ल्ड मैप होगा, जैसे जैसे आप वीडियो सुनोगे समझोगे, तो आपको थोड़ा सा मैप में देखे आइडिया आ जाएगा हम किस किस रीजन की बात कर रहे हैं. ओके, जब हम बात करते हैं रशिया एंड इट्स एम्पायर, तो प्रेजेंट डे फिनलैंड, लटाविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, इन सारी जो कंट्रीज के जो पार्ट हैं, इट वॉज अंडर द रशियन एम्पायर ऑफ दैट पीरियड. Imagine how big the empire was. Now let me show you this area in present day world map. So looking at the present day map, this is Russia. Lekin 1914 mein, the regions of Finland, which is a different country today, Poland, Latvia, Estonia, Lithuania, then we have the regions here, Azerbaijan, Georgia, this all Armenia, this were the part of this Russian empire only. लेकिन आज के दिन में हम देखें तो रशियन एम्पायर हमारा ये है, विच इज इन लाइटर कलर, एंड दिस अदर कलर जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर द डिफरेंट नेशंस, नाम अलग कंट्री है. लेकिन 1914 में रशियन एम्पायर का पार्ट ही थे ये. तो फिनलैंड आप देख पा रहे हो, आई हैव ज़ूम्ड इन, कि फिनलैंड एक अलग टेरिटरी है, रशिया की टेरिटरी नहीं है. ओके, देन एस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुएनिया है. फिर हम यहाँ नीचे की साइड देखेंगे, एशियन साइड पे वी हैव कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, अजरबैजान, ये वाली सब जो कंट्रीज आज के दिन जो अलग है, दीज वर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मैप में देख के हाउ बिग दिस एम्पायर वॉज, एंड कौन था इसका एम्परर, कौन था इसका किंग इस रीजन का, रशियन एम्पायर का, सार निकोलस टू. ये था रीजन के बारे में भी, क्या उनका रीजन था, कितना बड़ा उनका राज्य था, किंगडम था. ओके, टॉक अबाउट व्हाट वर द मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ दिस रीजन, कौन से धर्म के लोग इस रीजन में एग्जिस्ट करते थे. टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी रिलीजन, इट वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. रशिया के अंदर मेजॉरिटी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन से रिलीजन को फॉलो कर रही थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. क्योंकि रशिया एक इतना बड़ा एम्पायर था, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही रिलीजन रहे, तो इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ हिट्रोजीनियस रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन थे वहां पे. ठीक है, ऑल्सो द माइनॉरिटी रिलीजन्स वर द कैथोलिक्स, द प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट. ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं मेजॉरिटी रिलीजन मतलब मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन कौन सा रिलीजन फॉलो करती थी, इट वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल हियर, इंडिया का केस लेते हैं. अगर मैं बोलती हूँ मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन क्या है इंडिया के अंदर, इट्स द हिंदुइज्म, हिंदू है ना. लेकिन अगर मैं बोलूँ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में बहुत सारे रिलीजन आ जाते हैं, कि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो माइनॉरिटी रिलीजन में क्या आएगा, सिखिज्म है, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, एंड मेनी मोर. ठीक है ना, तो सिमिलरली रशिया में जब हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन में कौन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियनिटी. लेकिन वहां और भी रिलीजन एग्जिस्ट करते थे, लाइक कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. स्टैंडिंग द रशियन एम्पायर, लेट्स सी हाउ वॉज द रशियन इकोनॉमी. रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हमें बेस पता चले कि कैसी पॉपुलेशन थी, किस किस सेक्टर में वो काम करती थी, और रेवोल्यूशन क्यों आया. ओके, तो हम रशियन इकोनॉमी पढ़ेंगे अभी, एंड गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज इस एरिया से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ वॉज द रशियन इकोनॉमी,
or what conditions of the economy led to the Russian Revolution. Okay, तो Russian economy बहुत important हो जाती है क्योंकि economy की condition की वजह से हमें पता चलेगा कि क्यों लोग वहाँ change चाहते थे और क्यों वहाँ Russian Revolution आया. Okay, about the Russian Revolution and the Russian economy. Mainly वहाँ की economy में वहाँ के लोग जो थे people or the population of Russia was mainly occupied in the agriculture sector. Okay, therefore making it a mainly a agriculturalist economy. Matlab most of the population, for example 100% population mein se 85 jo percent thi population ki, it was engaged or working in the agriculture sector. Agriculture sector mein kaam karti thi 85% of population. Therefore, making it a agriculturalist economy. ऐसी economy जो agriculture के खेती के ऊपर dependent हो. Okay. Now talking about the cultivators in the agriculturalist economy. वहाँ के जो cultivators थे, जो फसल वगैरह उगाते थे. Okay. वो लोग ना ही सिर्फ अपने खुद की needs को fulfill करने के लिए agriculture practice करते थे, also वो मार्केट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करते थे. देयरफॉर जो कल्टीवेटर्स हैं कुछ हिस्सा अपने लिए रखेंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए और जो सरप्लस होगा उसको जाके मार्केट में बेच देंगे सो दैट उनकी इनकम हो. तभी तो एक इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर से खेती से उनकी इकोनॉमी चल रही है. राइट, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट अबाउट इंडस्ट्रीज देयर. ओके, तो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स. इट मींस कि बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी रशिया में क्योंकि रशियन इकोनॉमी वाज मेजरली अ एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी. ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे. देयरफॉर ये लाइन लिखी गई है कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इंडस्ट्रीज थी, बहुत ही कम रेशो में इंडस्ट्री पाई जाती थी. ओके, एंड देयर वर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट. ओके, सो वन वाज पीटर्सबर्ग एंड अदर वाज मॉस्को. लर्न इट, क्वेश्चन आ सकता है नेम द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया ऑफ द रशियन इकोनॉमी. क्योंकि बहुत कम इंडस्ट्री थी उसके अंदर से सिर्फ दो ही मेजर एरिया है जहां इंडस्ट्री मिल पाई जाती थी. ओके, सो वन इज पीटर्सबर्ग एंड अदर इज मॉस्को. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, अब इन एरिया में जो प्रोडक्शन होती थी दैट वॉज मेनली कैरिड आउट बाय द क्राफ्ट मैन. मतलब छोटी छोटी टाइप ऑफ प्रोडक्शन होती थी, कोई लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वहां क्राफ्ट मैन ही प्रोडक्शन करते थे. ओके, तो आपने अभी देखा कि मेनली रशियन एग्री जो इकोनॉमी थी हमारी, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बहुत ही कम रेशियो में वहां प्रेजेंट थी. और दो मेन एरिया थे इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया उस टाइम में, इन द एरिया ऑफ पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. और प्रोडक्शन भी किस टाइप ऑफ प्रोडक्शन होती थी इंडस्ट्री में, बहुत ही स्मॉल लेवल पे, जो कि क्राफ्टमैन वगैरह ही बनाते थे, कोई लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई थी. ओके, सो इन 1890s में हमने रशिया इकोनॉमी में एक चेंज देखा कि रेलवेज एक्सपैंड होनी शुरू हो गए. उन्होंने रेलवेज एक्सपैंड करना शुरू कर दिया. रेलवेज होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बिकम इजियर, इजी हो जाएगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना. जैसे ही रेलवेज एक्सपैंड की रशियन इकोनॉमी में, वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए. बाहर से दूसरे देशों ने आके रशियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी. ओके, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी किसी देश में, तो ऑटोमेटिकली वहां इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो जाएंगी. ओके, अब रेलवेज के एक्सपेंशन से हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, उससे हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई. और हमने देखा कि कोल प्रोडक्शन डबल हो गया वहां पे रशियन इकोनॉमी में, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन क्वाड्रपल हो गया. मतलब कोल प्रोडक्शन दोगुना बढ़ गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो है वो चार गुना बढ़ गया था. व्हाई?
क्योंकि रेलवेज एक्सपैंड हो गई, रेलवेज ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दी, अब ट्रांसपोर्टेशन वॉज मच इजियर एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम, क्योंकि अब इजिली रेलवे के थ्रू हम अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। देयरफॉर दूसरे जो देश थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने लगे आके यहाँ रशियन इकोनॉमी में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की तो यहाँ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई तो यहाँ कोल के प्रोडक्शन और आयरन और स्टील के प्रोडक्शन भी हमारे इंक्रीज हो गई। सो वी हैव सीन दैट इंडस्ट्रीज वर ग्रोइंग। ओके, तो हम थोड़ा सा अब पीछे जाएंगे जब हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, जहाँ हम कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं क्या है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऑफ किसकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी द ओनर्स, ओके, और द कैपिटलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ओके, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बनाते हैं कैपिटलिस्ट, इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट, उनका एम क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो आप अब समझ पाए होंगे कि हमने क्यों सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, यही सब चीज थी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन सब चीज के बारे में ही कार्ल मार्क्स ने बात की थी। इन्होंने बोला था वी शुड एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ रशिया में भी सेम चीज हो रही थी, इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू हुई, तो इंडस्ट्रीज क्या है, कैपिटलिस्ट जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनका एम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता था। ओके, अब आपको समझ में आया कि कार्ल मार्क्स कैसे लिंक हुआ यहाँ पे। नाउ इधर जब हम बात कर रहे थे, रशिया के अंदर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं थी, सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पाती थी, क्योंकि किसका रूल था, मोनार्की का रूल था, राजा का रूल था। ओके, बट दिस वॉज द टाइम when government started working to ensure the minimum wages and limited hours of the work, ab sarkar ne apna interference start kar di, ab unhone bola bhi minimum wages bhi jitne ghante kaam karte ho uske hisab se inko paise milne chahiye kaam ke, aur jo working hours hai unko bhi limited kar dena chahiye, lekin kyunki sarkar ki itni chalti nahi thi us time pe, therefore often the rules were broken, तो इन rules और regulation को जो सरकार बोलती थी उसको कोई मानता नहीं था। Okay, now let's see कौन से क्या condition थी जिसके वजह से यहाँ के जो workers हैं, हम economy की बात कर रहे हैं, तो workers क्यों इतने परेशान हो गए कि उन्होंने change के लिए demand की होगी, Russian revolution आया होगा। Okay, so they were asked to work for long working hours, like in a day they were supposed to work for 10 to 16 hours. 24 घंटे में 10 से 16 घंटे तुम्हें काम करना पड़े, working conditions बहुत poor है, unemployment rate भी high है, तुम्हारे लिए वहाँ जो रहने की living conditions है that was the worst. Dormitories बनाई हुई थी वहाँ पे, dormitory क्या होता है, एक बड़ा सा hall जिसके अंदर सिर्फ आप एक bedding डाल के छोड़ देते हो। ओके, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उधर काम कर रही थी तो एक टाइम पे एक इंसान सो पाता था, तो वेरी पुअर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन भी बहुत पुअर थी, लिविंग कंडीशंस भी बहुत पुअर थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे। देयरफॉर द पीपल हियर इन द रशियन इकोनॉमी वांटेड अ चेंज, और अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बाद की सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या कुछ हुआ, कैसी कंडीशन थी, क्यों वहां लोग मान गए कि हमें चेंज ही चाहिए, वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स सी हाउ द रशियन सोसाइटी वॉज। ओके, टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, द वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन द सिटीज, जो वर्कर्स थे जो काम करने आते थे, ओके, गांव से निकल निकल के शहरों की साइड मूव माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ओके, गांव से निकल के शहर चल जाते ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, इंडस्ट्रीज क्योंकि ग्रो कर रही थी सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि क्या पता उनको भी कोई काम मिल जाए। ओके, एंड ऑल्सो द वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, उनके काम के हिसाब से कैटेगरीज डिवाइडेड थी वर्कर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कर्स हमारे मेटल इंडस्ट्री में काम करते थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट क्लास के समझते थे, द अपर क्लास इन द वर्कर्स। ओके, जैसे जो वर्कर्स मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे इन द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। ओके,
तो हमने देखा कि वर्कर्स माइग्रेट करके आ रहे थे विलेज से टुवर्ड द सिटी साइड, तो ऑब्वियस है विमेन भी आई होंगी साथ में। तब लोग आ रहे थे काम की खोज में, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही आए हो, विमेन भी तो आई होंगी। तो विमेन भी आई, एंड विमेन उस टाइम पे इन 1914 दे मेड अप 31% ऑफ द लेबर फोर्स, 31% ऑफ द लेबर फोर्स में विमेन का पार्ट था, पार्टिसिपेशन था। ओके नाउ बट द विमेन हु वर 31% ऑफ द लेबर फोर्स वाज पेड लेस देन दैट ऑफ द मेन। उनको उनके काम के हिसाब से, अगर एग्जांपल है एक काम एक मेन कर रहा है और वही काम एक विमेन कर रही है, ओके दोनों को सैलरी जो उनकी वेजेस है वो अलग अलग मिलती थी, हमेशा वुमेन वर पेड लेस देन द मैन। ओके नाउ यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जब भी उनको यूनाइट होना होता था, इकट्ठा होना होता था, हमेशा इकट्ठे आ जाते थे, नो मैटर हाउ दे वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल और देयर वेजेस। चाहे उनके बीच में भेदभाव रहा हो स्किल्स को लेके या उनकी वेजेस को लेके, पैसों को लेके, लेकिन जब टाइम आता था एक साथ खड़े होने का तो वर्कर्स ऑलवेज यूनाइटेड टुगेदर। ओके तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नाइन्थ क्लास के अलग अलग सेक्शन है, ओके सेक्शन ए बी सी डी ई, ओके जब मैं बोलूंगी डिवीजन है नाइन्थ क्लास में भी, कंपटीशन क्या है, नाइन्थ की बात करूं, सेक्शन ए इज कॉम्पीटिंग विद सेक्शन बी, बी इज कॉम्पीटिंग विद सेक्शन सी, तो हर सेक्शन वाइज कॉम्पिटिशन चलता है। लेकिन अगर मैं कभी बोलूं कि नाइन्थ क्लास वर्सेस टेंथ क्लास होगा कोई मैच, तो नाइन्थ क्लास के सारे सेक्शन साथ आके खड़े हो जाएंगे, नो मैटर तुम पसंद करते हो नहीं करते हो, यू ऑल विल स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट अगेंस्ट क्लास टेंथ। सिमिलर यहाँ केस था कि जो वर्कर्स है दो दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल एंड द वेजेस, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी एक साथ होने की दे ऑलवेज स्टैंड टूगेदर। ओके सो द वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक, तो जब भी स्ट्राइक करनी होती थी उनको अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स या कोई अपनी डिमांड पुट फॉरवर्ड करनी होती थी, तो ऑल द वर्कर्स दे यूज टू कम टूगेदर एंड सेट फॉर स्ट्राइक। सो एग्जाम्पल है जहां पे जैसे कि जो बड़ी बड़ी स्ट्राइक हुई थी उस टाइम में रशियन सोसाइटी में, इट वॉज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्राइक इन 1896 to 1897, मेटल इंडस्ट्री स्ट्राइक इन 1902। तो जब भी जरूरत पड़ती थी दे ऑल केम टूगेदर टू स्टैंड अगेंस्ट दैट एम्प्लॉयर्स एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स। ओके अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी इन द सिटीज कैसी थी, अब हम देखेंगे सोसाइटी इन द कंट्री साइड, मतलब रूरल एरियाज में सोसाइटी कैसी थी। ओके जो पीजेंट्स थे दे यूज टू कल्टिवेट द लैंड, फार्मर्स जो पीजेंट्स थे वो कल्टिवेट करते थे लैंड को, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी वो लैंड किसकी थी, इट वॉज ओन्ड बाय द नोबिलिटी द चर्च अथॉरिटीज एंड द रिच पीपल। नोबिलिटी कौन है, वो क्लास जो कि राजा से जुड़ी हुई थी, ओके राजा के साथ जो काम करते थे वेरियस मिनिस्टर्स, उसके लॉ कोर्ट के अंदर जो भी लोग बैठते थे, दैट कंसिस्ट ऑफ द नोबिलिटी क्लास। तो वो प्रॉपर्टी किन लोगों की होती थी, या तो नोबिलिटी क्लास की या चर्च अथॉरिटी की। ओके तो हम यहाँ देखेंगे कि पीजेंट्स के बीच में भी ऑन दिस सिमिलर लाइन जैसे सिटीज के अंदर वर्कर्स डिवाइडेड थे, यहाँ रूरल एरियाज में भी जो पीजेंट्स द फार्मर्स जो वर्कर्स थे दे वर ऑल्सो डिवाइडेड। कुछ पीजेंट्स वर वेरी पुअर, तो दे वर्क एज लेबर और वर्कर्स ऑन द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द नोबिलिटी ऑफ द चर्च अथॉरिटी। कुछ लोगों के पास बहुत कम छोटी छोटी जमीन होती थी, तो अपने छोटे पीस ऑफ लैंड पे ही काम करते थे। ओके अनदर फैक्टर जो हमने इधर देखा रूरल साइड में रशियन इकोनॉमी में, कि जो पीजेंट्स थे जो फार्मर्स थे रशिया के, दे वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूरोप, यूरोपियन रीजन के जैसे फार्मर्स होते थे उनसे कुछ अलग थे। कैसे, क्योंकि कुछ फार्मर्स जो बहुत ही छोटे छोटे लैंड वाले थे, दे यूज टू वर्क टूगेदर बाय पुलिंग देयर लैंड एंड लेटर डिवाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। क्या करते थे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं तो वो अपनी जमीन को मिला लेते थे, यूज टू पुल टूगेदर, जोड़ के मिलके काम करते थे, और जो उससे फसल जो निकल के आती थी उसको अकॉर्डिंगली अपनी अपनी नीड के हिसाब से डिवाइड कर लेते थे। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोसाइटी
around the countryside or the rural area. This was all about the society of Russia on the countryside or the rural side. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी कंडीशन थी लोगों की सोसाइटी में, क्या लोग एक चेंज चाहने वाली कंडीशन में थे? Yes, क्योंकि they were in a poor condition. Rich was getting richer, poor was getting poorer. Therefore, अब आप देखोगे कि आपने कंडीशन समझ ली है कि सिटीज में कैसी थी लोगों की, रूरल एरियाज में कैसी थी, विलेजेस में कैसी थी. तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये लोग चेंज डिमांड करेंगे और कैसे रशियन रेवोल्यूशन आएगा. नाउ लेट्स स्टडी हाउ सोशलिज्म केम इन रशिया. हमें पता है रशिया के अंदर किसका रूल था, मोनार्की का रूल था. तो टिल 1914 कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी. पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया क्योंकि राजा का रूल था, मोनार्की थी उधर. तो राजा डिड नॉट वॉन्टेड एनीबडी टू मेक द पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टैंड अगेंस्ट हिम. ओके, इसलिए उसने पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था. लेकिन उस टाइम पे भी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो इलीगल होते हुए भी एग्जिस्ट करती हैं, ओके, तो उस टाइम पे भी सेम ही था. रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन 1898, दिस वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी. खुल के सामने नहीं आ रहे थे, चुपचाप अंडरग्राउंड होके ये लोग काम कर रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एट दैट टाइम वॉज इलीगल. तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट काम कर रही थी ताकि कम वर्किंग आवर्स हो, उनको वेजेस मिले, लेकिन वो रेगुलेशन अप्लाई नहीं की जाती थी. तो ये जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑपरेट करती थी. बट क्योंकि वो खुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन इलीगल थी, इसलिए उनके रूल्स और रेगुलेशन माने नहीं जाते थे. After 1898, 1900 के अंदर लोगों ने सोचा कि आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट पीजेंट्स ही ला सकते हैं, फार्मर्स ही ला सकते हैं. देयरफॉर पीजेंट्स ने एक सोसाइटी बनाई, नेचुरल सोसाइटी. उसके बाद इस नेचुरल सोसाइटी से उन्होंने फाइनली 1900 एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई. दिस पार्टी वॉज बेसिकली ऑफ द पीजेंट्स to bring in the idea of Russian socialist. So, हमने देखा कि कैसे peasants ने एक अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, okay? लेकिन अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा. अब जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, वो सोशल रेवोल्यूशनरी से अग्री नहीं करेंगे, okay? जैसे कि लेनिन, who was one of the social democrat, उन्होंने बोला कि peasants एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक डिवीजन है, कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है. Therefore, they cannot stand united together. और peasants कभी भी रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं. It is always the workers who will bring in the revolution. Okay, so Lenin and the group who were the social democrats disagreed with the socialist revolutionaries who were the peasants here. Okay, who have made their own party, the natural society. Okay, उनसे disagree किया इन्होंने. And they also did not allow the peasants to become the part of the socialist movement. Okay, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा society कैसी थी, empire कैसे था, इकोनॉमी कैसी थी रशिया की. ओके, तो अब आपका बेस तैयार हो गया है, आपको पता चल गया है वहां की सब चीजों की, सब कंडीशन के बारे में. अब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे रेवोल्यूशन आएगा, कौन मेजर पर्सनालिटीज थी इस रेवोल्यूशन की, और फाइनली रेवोल्यूशन आया तो कैसे आया. ओके, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बट बिफोर दैट, इट्स टाइम टू टोन अप योर ब्रेन एंड यू गाइस नीड टू कमेंट ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद योर नेम. Number one question here is, name the party formed by the peasants. Question number second here is, write a short note on the society of Russia. Three here is, did peasants become part of Russian revolution? You need to answer in terms of yes or no. Okay. And lastly, who was the emperor of Russian empire?
That's it for today's question, guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't. And also, if you like my video, please press in the thumbs up icon as it will mean a lot. Thank you for watching.